हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब की चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आदर्श सोलेनाइड या फिर सीमित लंबाई का सोलेनाइड, उसकी वजह से उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके बाहर तो हालांकि जीरो बनता है। तो आज हम वही फार्मूला प्रूव करेंगे, बट क्लास 12 के लेवल का एम्पियर सर्किट लॉ से लगाएंगे इसको। तो शुरू करते हैं कि कैसे उसको प्रूव करते हैं, कैसे क्या होता है। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में अक्सर पूछता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनोइड, मतलब कि इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनाइड है, ठीक है ना। तो जब भी प्रूफ करना तब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना, ठीक है ना। इसके लिए कुछ एजम्पशन है तुम्हारे बोर्ड में बेटा, कुछ एजम्पशन है, मतलब कि जो मान लिया जाता है, ठीक है ना। पहला एजम्पशन क्या है कि सोलेनाइड का लेंथ बहुत बड़ा होगा, उसकी जो भी वायर लपेटे हो गए होंगे उसकी त्रिज्या से बहुत बड़ा होगा। दूसरा ये मान लिया जाता है कि इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कह सकते हो, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है ना। इनसाइड द सोलेनाइड ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल। अगर इस ए वाला है आदर्श है तो उसके अंदर सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सब पैरेलल माने जाते हैं। तीसरी बात, आप इसे मान सकते हो, हाँ, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। जो आउटसाइड होता है आदर्श सोलेनाइड के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ऐसा मान के काम करना पड़ता है इन सबों में, ठीक है ना। यही दो तीन एजम्पशन है, इसके बाद हम फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं आराम से। चलो बनाते हैं। मान लिया ये बेटा आपका एक आदर्श सोलेनाइड है, आदर्श कहूँ तो इनफाइनाइट लेंथ का। ये शेप समझ रहे हो ना क्यों ऐसा बनाया जा रहा है, काटा गया है ताकि आपको समझ में आए, फिगर उगर हम लोग बना सकें इसमें। इनफाइनाइट इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। इनके बाहर मैग्नेटिक फील्ड का मान जीरो होता है, ठीक है ना। और इनकी लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। चलिए मान लो इस पॉइंट पी पर, इसके एक्सिस पर हो चाहे कहीं भी हो, आदर्श के लिए खाली पी पर हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि पहले पी पर एम्पियर लूप बनाना होता है। पी पर एम्पियर लूप बनाओ। एम्पियर लूप हमेशा मैंने बोला लूप बनाना है, चौकोर बनाओ चाहे भाई अब गोला वाला बनाओगे कम में नहीं चलेगा, चौकोर बना लो इसीलिए, ठीक है ना। एल लेंथ का, एल 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 और एल, और यहाँ पे खैर मानो चाहे ना मानो एल लेंथ का, अगर यहाँ पे एल है तो यहाँ भी एल है। ए ऐसा होता है कि सिमेट्रिक होता है ना, एल और एल, इसको मानो चाहे ना मानो कोई बात नहीं बेटा। और ये भी जान लो कि यूनिट लेंथ में इसकी जो फेरों की संख्या है ना, यूनिट लेंथ में तार के फेरों की संख्या बराबर स्मॉल एन लिया गया, ठीक है ना। आई करंट चल रहा है, आई करंट। पी पर एम्पियर लूप बना दिया चौकोर सा, कोई बात नहीं। और एम्पियर साहब के बाई एम्पियर सर्किट ला, सर्किट अल्ला बाई एम्पियर सर्किटल ला, आपने पढ़ा है बी डॉट डी एल बराबर
अगर आपको नहीं याद है तो हम बताते हैं ना आपको, आपने एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ा है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, इसके अंदर का करंट, इसके अंदर का करंट, अब इसके अंदर पता नहीं कितने फेरे हैं, हमको क्या पता, चलो कोई बात नहीं। बी 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 जो देख रहे हो ना, अब इसे ए मान लो, इस लूप का नाम मान लो बेटा एम एन ओ पी, लूप का अगर मान है तो ठीक है ना, तो आप कहोगे ए पूरा एम एन ओ पी लूप का है, तो जो इसको जब ब्रेक करोगे तो एक बार आएगा बी डॉट डी एल, एक बार एम एन के लेंथ के लिए आएगा, और एक बार जब ब्रेक करोगे बी डॉट डी एल को तो एक बार एन पी के लेंथ के लिए आएगा, और जब इसको बी डॉट डी एल को ब्रेक करोगे एक बार ओ पी के लेंथ के लिए आएगा, फिर ब्रेक करोगे तो एक बार ओ एम के ब्रेक करोगे, ये हो जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक है। अब एम एन देख लो, एम एन बाहर है, इसके बाहर एजम्पशन है जीरो होता है, बाहर मैग्नेटिक जीरो हो जाएगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्लस। अब एन पी पे आओ, एन पी पे, एन पी पे आ जाओ तो ये देखो बी डी एल कॉस थीटा होता है, डॉट लगा है ना, तो बी डी एल कॉस थीटा होता है, बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से, बी और डी एल के बीच का एंगल है थीटा, बी और डी एल की चौकोर हो गया ना, पिछले बार गोल सा था तो बहुत उसमें आगे पीछे करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बी और डी एल के बीच का देखो, बी आपका इधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और डी एल आपका बेटा देखो नीचे की ओर, अगर मान लो करंट ऐसे बह रहा हो आई 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 आई, तो डी एल आई की ओर होता है, आई करंट डी एल होता है, यानी कि इधर ही इनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा, पूरा कास 90 का मान जीरो होता है, अभी जीरो हो गया। प्लस ओ पी, ओ पी कुछ बनाएगा OP, क्योंकि B इधर है और OP भी आपका इधर ही, देखो B इधर है, ध्यान से सुनना, B इधर है और OP आपका इधर है, OP के लिए DL इधर आएगा ना, बीटा DL 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 करते हो तो I करंट P में इधर है, तो DL का डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन बराबर DL का डायरेक्शन होता है, तो आपका DL इधर होगा और B इधर है, इसके बीच का एंगल 180, यानी कि हो जाएगा बी तो वही बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा डी एल कास 180 प्लस। आ जाओ यहाँ भी देखो, डी एल आपका इधर है, बी आपका इधर है, 90 डिग्री है, चाहे बाहर तो जीरो होता अगर इतने लेंथ के लिए, अगर मान लो कि बचेगा तो ये अभी परपेंडिकुलर है, बाहर तो जीरो हो, यहाँ यहाँ इतना दूर में जीरो है ही, अगर कोई बंदा सोचता है कि नहीं यहाँ पे बनेगा तो वहाँ भी नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी के, यहाँ भी जीरो बराबर म्यू नॉट आई इन साइड, अभी आई इन साइड नहीं निकाले हो ना, कोई बात नहीं। चलो ये देखो, काश 180 का मान काश 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1 माइनस बी, और ये हो जाएगा डी एल, इसी वाला लेंथ डी एल डी एल पूरा एल है, कोई बात नहीं, म्यू नॉट आई इन साइड, आई इन साइड, चूंकि एक लेंथ में फेरों की संख्या बराबर n, एक लेंथ में फेरों की संख्या n, यहां तक l लेंथ है, इसलिए l लेंथ में फेरों की संख्या nl, नहीं एक लेंथ में फेरों की संख्या n, इसलिए l लेंथ में फेरों की संख्या nl, हम कहेंगे चूंकि एक फेरे में करंट, एक फेरे में करंट बराबर i, इसलिए nl फेरे में करंट nl i, एन एल फेरे में इतने, मतलब कि जो भी फेरा इतनी दूरी में होगा उसमें एन एल आई करंट है, यानी कि आई इन साइड का मान कितना, एन एल आई, ये हो जाएगा माइनस बी, और ये डी एल पूरा एल लंबाई का है तो एल ही होगा, म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कट जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई माइनस का मैग्नीट्यूड की ओर लेना है म्यू नॉट एन आई, फार्मूला आपका होता है प्रूफ, ठीक है ना, कहीं भी इसके अंदर, कहीं भी इसके अंदर, कहीं भी एम्पियर लूप यही कहता है।
तो देखा बहुत ही जल्दी हमने इसको प्रूव कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनोइड की इनफाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनोइड है उसके अंदर किसी पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो करना क्या पड़ेगा, एजम्पशन मानना पड़ेगा एल इसका बहुत बड़ा होता है आर की तुलना में। इन साइड द सोलेनोइड आल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होते हैं इसके अंदर। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज इक्वल टू जीरो, इसके बाहर जो भी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो होता है, सब मानना पड़ेगा। मानना क्यों पड़ा सारे, मतलब कि हमारे कंपास हिले डुले ही नहीं वहाँ पर। तो बाकी अब यहाँ पे लूप लिया जिस पॉइंट पर निकाला, एम्पियर लूप बनाया चौकोर सा, चारों लंबाई ली गई, तीन का जीरो एक का बना, बाकी सब देख लिया। ऐसे सबके लिए होगा, हर एक पॉइंट पे से चौकोर बनाओगे, हर तीनों जीरो बनाएंगे हर बार, यही एक का लाइन देगा। तो इस वाले पॉइंट पर हमेशा कितना बनेगा, म्यू नॉट एन आई बनेगा। ए एम्पियर लूप का कमाल है ठीक है ना, कि तुरंत है पा गए, तो माथा पति ज़्यादा करना पड़ता। तो बेटा फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में टोराइड के साथ। टोराइड क्या होता है आगे बताएंगे ठीक है ना, थोड़ा पढ़ते रहो हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।